हाय गाइस, दिस इज जियारन। यू आर वॉचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। सो गाइस, आपके लिए एक और यूनिक जॉब, कुछ हटके अलग से। यस, काम मीडिया कर्मी बोले तो न्यूज चैनल वाला, समाचार चैनल वाला वो काम है। बहुत ही अच्छा जॉब है, 1 साल चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये XYZ कंपनी आने वाले इलेक्शन का कुछ सर्वे करवा रही है, उस सर्वे का आपको काम करना है। सर्वे करना है आपको, लोकेशन बेंगलोर, ऑल ओवर बेंगलोर में चलेगा 1 साल तक। काम क्या रहेगा, कैसे रहेगा और कहाँ कहाँ रहेगा वो बता देता हूँ कि टाइमिंग इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, सुबह के टाइम कीजिए, शाम के टाइम कीजिए, कितना भी कीजिए वो आपके ऊपर है। और मेल फीमेल दोनों के लिए, यस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। लड़का रहने दो, लड़की रहने दो, एज लिमिट कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं भाई, ज़्यादा ऐसे वाले भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एज लिमिट कुछ मायने नहीं रखता इसमें। और लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर, लेकिन कंपनी जो है अभी एक एक एरिया करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है बनरगटा हो गया, या फिर अभी जो है जेपी नगर हो गया, फिर नेक्स्ट जो है आगे दूसरे एरिया और हो गया, तो वैसे कंपनी जो है सर्वे करवा रही है, एक एक एरिया छोड़ के। अभी जो प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट है अपना, वो येलंका एयरपोर्ट रोड और विद्यानारायणपुरा, उसमें लड़का या लड़की, फीमेल फीमेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों। क्वालिफिकेशन थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा क्या, इंग्लिश आना चाहिए उसमें। इंग्लिश इसलिए रिक्वायरमेंट रहता है उसमें कि जो सर्वे करने जाएंगे उसमें सारा का सारा जो क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन सारा का सारा इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में, अंग्रेजी में। उसको आपको फील करना पड़ता है कहाँ पे, कि घर घर जाके, यस आपको एक एक घर जाके वो क्वेश्चन पूछना पड़ता है उनसे, और वो जैसे जैसे आंसर देते हैं उसमें आपको जो है सबमिट करना पड़ता है, फिल करके सबमिट करना पड़ता है, बस उतना ही काम रहता है। अब पेमेंट कैसे रहता है इसमें, कि एक घर का या फिर एक सर्वे का आपको 15 रुपीज़ मिलता है, 15 रुपया, 15, 15, कम नहीं है, अच्छा है। क्योंकि आप अगर किसी एक गली एक रास्ते में चले जाते हैं तो उसमें मिनिमम बोले तो 100 से 50 घर आपको मिल जाते हैं। तो अगर 15 से मल्टीप्लाई अगर 100 से किया तो आप सोच लीजिए कि कितना कमा सकते हैं 1 घंटे में। और काम कितना है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट मेरे अंदाज से, उससे ज़्यादा नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 मिनट हाफ समझ लीजिए, आधा हाफ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। क्वेश्चन कितना रहता है कि सिर्फ ओनली 15 क्वेश्चन रहता है, 15 से 16 क्वेश्चन रहता है उसमें। और अच्छा, क्वेश्चन भी कैसे रहता है कि थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ उसका, कि आपका नाम क्या है सर, आप घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, और मेन हेड कौन है, उसका मोबाइल नंबर हो गया, आपका एरिया का MLA कौन है, आपके एरिया का जो है MLA को कभी आपने देखा है, या फिर आपके एरिया में प्रॉब्लम क्या रही है, करंट बराबर आ रहा है, लाइट बराबर आ रही कि नहीं आ रही, आपके एरिया में पानी बराबर है कि नहीं, आपके एरिया में सड़क बराबर है कि नहीं है, आने वाले इलेक्शन में आप किसको देखना चाहेंगे, मोदी जी को या राहुल जी को, आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे, उसका सर्वे होता है जो एग्जिट पोल में कन्वर्ट होता है बाद में। वही सर्वे का काम कंपनी XYZ कंपनी, उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंपनी की तरफ से स्ट्रेटली जो है ये मना किया हुआ है, क्योंकि वो ओपन नहीं कर सकते हम लोग पहले, लेकिन जेन्युइन काम है ये। आपको एक कंपनी की तरफ से एक ID भी दी जाती है, अगर बाई चांस आपको कोई पूछ ले कि ये सब फेक है रे, क्यों करवा रहे, तो आप बकायदा से वो अगले वाले बंदे को या अगले वाले घर वाले को आप उस वो ID कार्ड दिखा के आप बता सकते हैं कि सर मैं XYZ कंपनी से आया हूँ और सर्वे कर रहा हूँ। तो वो सर्वे का काम है, काम कुछ हार्ड नहीं है और अच्छा जेन्युइन काम है। एक घर का 15 रुपये कर सकते हैं, टाइमिंग कुछ में कुछ फिक्स नहीं रहती है, आप अपना काम करके शाम के टाइम घूम के कर सकते हैं, आप अपना काम कंप्लीट करके सुबह कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऑल ओवर बेंगलोर में चलने वाला प्रोजेक्ट है ये, 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है,
प्रेजेंट टाइम का लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि मुझे कहाँ का रिक्वायरमेंट रहती है, ये लंका से लगाकर विद्यानारायणपुरा एयरपोर्ट रोड, उस लोकेशन में ऑलरेडी 10 बंदे काम कर रहे हैं और मुझे और भी कैंडिडेट की ज़रूरत है, और ये चलने वाला है पूरा बेंगलोर में। कंपनी जो है धीरे 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 एक एक एरिया करके, एक एक एरिया करके पूरे बेंगलोर में सर्वे करवा रही है। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं ये जॉब करूं तो वो बंदा मुझे कॉल कर सकता है, चाहे बेंगलोर का कौन से भी लोकेशन में रहने दो। एक और बात कि अगर जेपी नगर वाला बंदा चाहता है कि मैं येलंका जाके कर सकता हूं तो ये भी हो सकता है। अगर चाहता है कि नहीं सर, कि आपका सर्वे कब जेपी नगर में आए या फिर आपका सर्वे कब जो है एचएसआर लेआउट में आए, उससे मैं मुझे कॉल कीजिए, मैं रेडी रहूँगा करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहे तो महीना भर बाद या 10 दिन बाद कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मैं भी करना चाहता हूँ, हमारे एरिया में कब सर्वे होगा, उसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो गाइस आपको डीपली बता दिया हूँ कि काम क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा और एक्चुअल वर्क क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स जो जो इंटरेस्टेड है वो बंदा कॉल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग फॉर्म छोड़ दूंगा, ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करें और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी लिंक छोड़ दूंगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छा वीडियो, अच्छा जॉब, अच्छा वैकेंसी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करना कभी ना भूलें, उससे आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जो जॉबलेस कैंडिडेट उनको हेल्प मिलती है, जो काफ़ी टाइम से घर पे बैठे हैं या फिर जॉब छोड़ के हैं, उन लोगों को जॉब मिलती है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिले, हम लोगों को आप जैसे अच्छा कैंडिडेट मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।